हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे कोई भी फोल्डर पे आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। ऐसे नॉर्मली अगर आप यहां से फ़ोटो लगाते हैं इसमें तो आप नहीं लगा सकते हैं, बट जैसे हम मैं बताऊंगा वैसे अगर आप करोगे तो आपका भी फ़ोटो लग जाए। सबसे पहले इसके लिए ना आप एक कोई फोल्डर बना लेना जिस फोल्डर पर आपको फ़ोटो लगानी है। दूसरा, आपके पास कोई एक फ़ोटो होना चाहिए और उस फ़ोटो को जो है ना आपको क्या करना है कि क्लिक करने के बाद और यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना और पेंट में ओपन कर लेना है। पेंट में जैसे आप ओपन करोगे तो बहुत बड़ा साइज है इसका, मैं इसके साइज़ को छोटा करता हूँ। यहाँ से जाकर रिसाइज पे जा कर के और यहाँ पर जाने के बाद पिक्सल्स में कर लेंगे और इसकी साइज़ बहुत बड़ा है, 1079 है, तो इसकी साइज मैं रख देता हूँ 46 और थोड़ा सा इसको जो है ना यहाँ पर 70 कर देंगे और इसके बाद ओके, ये आपके साइज में इतना बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आप इसे यहाँ पर जाके सेव नहीं करना है, सेव एज करना है और सेव एज करते वक्त आपको एक चीज़ यहाँ पर टाइम ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है ये आपका 24 बिट होना चाहिए, वैसे 16 बिट पे भी आ जाएगा मगर 24 बिट रखना है आपको, ये बेटर आपको परफॉर्मेंस देगा इसमें लगाने के लिए। तो सबसे पहले इसके बाद विकास लिखा हुआ है ऑलरेडी, बट यहाँ पे विकास के साथ ना कुछ और लिखना है हमें और इसके बाद डॉट यहाँ पर लगाना है आई सी ओ लगा के और इसे सेव कर देना है। मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव कर रखा हूँ जिससे मुझे इजी हो निकालने में, आप जहाँ चाहे कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं और इसे भी क्लोज करते हैं। हमारे पास ये नया जो बन के आ गया ये देख रहे हैं यहाँ पर विकास 1 वाला, ये तो पहले वाला मेरा है और देख भी सकते हैं यहाँ पर जैसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद कितना केबी का है, ये 76 KB का है। और ये देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये है 9 या 12 KB कह रहे हैं ऑन डिस्क पे, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में आएंगे। प्रॉपर्टीज में आने के बाद सबसे कस्टमाइज में जाने के बाद आइकन यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ये बहुत सारे आइकन पहले से भी मिलते हैं बट इसे हमें नहीं लगाना है, आपको यहाँ से ब्राउज करना है। ब्राउज करते वक्त यहाँ से हमें डेस्कटॉप पर जहाँ पर हमने रखा था अपना फ़ोटो को सेव करके वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये आगे देखिए विकास 1 के नाम से आ रहे हैं, इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देना। ओके करने इसके बाद ओके और अप्लाई देन ओके, देखिए ये फोल्डर हो गया और इस पर फ़ोटो लग चुका है। टेक नाम से फोल्डर था उसमें फ़ोटो लग गया। आप इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला फोल्डर इसके अंदर हम मूव करके रख दिए, ये वाला फ़ोटो रख सकते हैं, जितना चाहो रख सकते हो आप। और रखने के बाद उसे उसमें आपका फ़ोटो की तरह मतलब यूज होगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में बताएँ और अगले वीडियो में आपको बताऊँगा बिना नाम का और विदाउट ये बिना मतलब दिखने वाला फोल्डर बनाना बताऊँगा, तो ज़रूर कमेंट करिएगा कुछ और भी आपको पूछना चाहते हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।